क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुशाहिद खान है। मेरा नाम मुशाहिद खान है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुम्मी है। जी जुम्मी। जुम्मी, अच्छा कहाँ के रहने वाले हो? नागौर के। नागौर, तो यहाँ इतने दूर कैसे हो अम्मा? लड़की आई थी। हाँ। उसका आदमी ऐसे ही था, कुत्ता पीता था, वो खत्म हो गया। तो आपकी उम्र तो मेरे ख्याल से 80 के करीब होगी, 80-85 के साल। तुम जैसे दे रही हो खरी, फिर अल्लाह आ बुलाएगा तो उस टाइम चली जाएगी। नहीं देखो, बेशक अल्लाह है करने वाला सब कुछ। चलिए बस मैं अल्लाह जाने। तो रहती कहाँ पे हो जी? अच्छा, सब्जी वाला के पास जुग्गी में। और साथ में कौन रहता है आपके? लड़की है। लड़की है, बच्चा उसकी। और दामाद? दामाद कितना हो गया? दामाद नहीं है जल्दी तो यहाँ पड़ी। ओहो, अल्लाह खैर करे। बेशक बेशक, अल्लाह सब देख लिया। अल्लाह जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। या अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह जो आज मेरी दुआ कबूल करिए। अल्लाह ताला सब देख लिया, अल्लाह सारी जोड़ी सलाम करोगे। अल्लाह आपको मदीना दिखाओ, मेरी दुआ कबूल हो। अल्लाह बार मतलब ये हालत आ गई आपको कि यहाँ पे इतनी गंदगी में बैठी हो, बराबर में लैट्रिन पड़ी है, यहाँ पड़ी हो ऐसे। रो मत, रो मत। देखो अल्लाह जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जो करता खड़ा कर ये करता है तो वही जाग जा। राशन वाशन दिला दूँ आपको? कोई दिला दो। ले जाओगे आप राशन? कैसे लेके जाओगे? नहीं, अगर हम तो आपको अच्छा राशन दिलाएंगे ना, तो कैसे लेके जाओगे रख के? मैं देखता हूँ राशन। राशन की दुकान कहाँ है यहाँ पे? राशन की दुकान, राशन की दुकान किधर है? मैंने आपको देखा ना यहाँ पे, यहाँ पे खड़े हुए देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा आपका। किसी को ना लगा जी। तो बेटी है, बेटी का बच्चा है और छोटा बच्चा है और दामाद खत्म हो गया। नहीं जाऊंगा रमजान। रमजान के बाद कहाँ? नागौर जाओगे आप? कराया हो जाए चले जाऊं। जी जी जी, सच बताओ अम्मा, सच सच बताओ। देखो मैं भी मुसलमान हूँ, तुम भी मुसलमान हो। हाँ। घर में कोई मर्द है कमाने वाला? मर्द नहीं है। मरना है तुम्हें भी मुझे भी? नहीं। मेरा बाप होता तो मैं नहीं आती। लड़कियाँ बेटी है, बेटी है बस बेटी। उनके बच्चे हैं? झूठ नहीं बोले, तौबा करूँ बाबा। मैं वहाँ जाना, मेरे को ऊपर जाना है। जी जी। तुम कैसे मदद कर सकते हैं ये बताओ? तुम्हारा अब तुम रहती कहाँ रहती हो तुम? नागौर से। नहीं, यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ कैसे मदद करूँ आपकी? जो कुछ हम तो चाह रहे हैं कि आपकी बहुत ज्यादा मदद करूँ और अच्छी मदद करूँ, राशन भी दूँ, पैसे भी दूँ। रहती कहाँ हो? अच्छा, किसके घर जाए बाबू? देखो कितनी हमारी माँ की उम्र करीबन 90 साल होगी, और 90 साल की उम्र में, 90 साल तो होगी अम्मा उम्र? हाँ, मतलब किस गंदगी में बैठ के कमा रही है। और चलो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इनकी, कि अभी तो मैं इनको कुछ कैश दे रहा हूँ, इनका पूरा एड्रेस लेके पूरी कोशिश करूँगा इनकी बेटी से मिलूँ। हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अभी जो मुझसे मदद होगी मैं करूँगा। देखो आज तो तुम मांगना मत, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा कि आज मांगना मत आपको, ठीक है? मांगोगी आज? नहीं मांगूंगी। लो पकड़ो। कितना पैसा है गिन के बताओ? बहुत पैसा, बहुत पैसा। अल्लाह वाला, अल्लाह हाथ नहीं जोड़ते अम्मा, बच्चों के सामने हाथ नहीं जोड़ते, दुआ देते हैं बस, दिल से दुआ देते हैं, ठीक है ना? मेरी दिल की दुआ कबूल हो आपके लिए। जी जी। या अल्लाह, सच्चा वली परवरदिगार, तू सच्चा वली सबको देने वाला, मेरे लिए इनों की
इन्हों की मेरी दुआ इन्हों के लिए कबूल होनी चाहिए खुदा के वास्ते अल्लाह के वास्ते। चलो अपना ख्याल रखना, फिर मैं दोबारा मिलूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। पूरा आपका राशन का काम हो जाएगा रमजान में इसमें। अब मांगो मत, अब चले जाओ घर, ठीक है, अब मत मांगो, चलो खड़े हो जाओ। देखो किस जिंदगी के उस पड़ाव पे है अम्मा जहाँ इनको जरूरत है आराम की, लेकिन 90 साल की उम्र में भी अम्मा मांग रही हैं। क्यों मांग रही हैं? क्योंकि इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इनकी जो बेटी के पास ये रहती थी, दामाद का इंतकाल हो गया है, एक इनका देवता है बेटी का, इनका बेटा है वो भी छोटा है। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि इस रमज़ान में कम से कम ये अपने घर में राशन डाल लें, कुछ कुछ मांगने ना पड़े इनको। इनका पता भी लिया है इंशाल्लाह, और इनसे संपर्क में रहूँगा, जो मुझसे मदद होगी मैं मदद करूँगा। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि ऐसे लोगों की मदद किया करो, ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं, बिना जात बिना धर्म देखे मदद किया करो। रमज़ान का पाक महीना, क्योंकि ऐसे लोगों पे खर्च किया हुआ पैसा कभी अल्लाह रखता नहीं है, हमेशा उसका रिफंड करता है, किसी भी सूरत में कर सकता है, आपकी औलाद में, आपकी सेहत में, पैसे में। तो मदद कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, खुशियाँ बांटे। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।